शहर में पिकअप की टक्कर से एक स्कूली छात्र की मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बुलंदशहर के शिकारपुर अहमदगढ़ को थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव खुदा दिया पर बोलेरो पिकअप की टक्कर से पैदल दवा लेकर जा रहे किशोर छात्र की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। तुषार पुत्र संजय उम्र करीब 15 वर्ष निवासी गांव खुदा दिया दौलतपुर गांव से छात्र पैदल दवा लेकर अपने गांव खुदा दिया लौट रहा था, जिसकी सड़क हादसे में मेरठ बदायूं हाईवे पर उर्मिला मैरिज होम के निकट दर्दनाक मौत हो गई। उधर गुस्साए ग्रामीणों ने मेरठ बदायूं हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने जाम शिकारपुर सीओ विकास प्रताप व डिवाई तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। शिकारपुर सीओ विकास प्रताप चौहान के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला और पुलिस ने किशोर को सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बुलंदशहर भेजा। उधर थाना पुलिस ने वाहनों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने मृतक परिजनों को 11,000 रुपए देकर आर्थिक मदद की। मनोज कुमार गोयल, बुलंदशहर, समाचार 24। दीपांशु चौधरी। दीपांशु, क्या हुआ यहाँ गाँव में, क्यों भीड़ जमा जी? यहाँ पर ये जो तार है टूट गया था। अच्छा, तो नीचे हमारी एक लेडीज काम कर रही थी जो हमारे घर में ही परिवारिक संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ पे बैल बंध रहा था एक और यहाँ पे भैंस बंध रही थी, उनके ऊपर करंट के द्वारा उनकी मौत हो गई है। उसके बाद में लेडीज जो है उनके हाथ लग गया तार तार पे, जैसे भागी अपनी जान बचाने के लिए, उनकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी बिल्कुल पूरे तरीके से ही जल गई है। और वो बुलेंसर उन्हें लेकर गए हम तुरंत ही इलाज के लिए, वहां से वो रेफर कर दी गई है दिल्ली। तो कैसी हालत है उनकी? कुछ हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है जी उनकी।